बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम टू लिस उर्दू। मैं हूं इमरान हैदर। स्टूडेंट, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप पे अपना खास करम और फजल हमेशा बनाए रखे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कैटलॉगिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस हम लोग इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, और उसी के सिलसिले में यूनिट नंबर 3 हम जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में, कि आखिर ऑनलाइन कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, बखूबी जानते हैं कि कैटलॉग क्या चीज़ है, लेकिन अब इसमें साथ में ऑनलाइन ऐड हो चुका है। तो ऑनलाइन कैटलॉग क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जिस तरह से बाकी कैटलॉग के बारे में आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसी तरह से ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में भी आपका जो है वो बखूबी जो है वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार आपको जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये जो रेड बटन है उसको क्लिक करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस चैनल की तमाम तर अपडेट्स, तमाम तर अपडेट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। आज माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़ी ही तफसील के और डिटेल के साथ। इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे वाजिया करता चलूँ, एक तो ये ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में भी जो थ्योरी है इसको पढ़ें, और इसके अलावा इसकी एक और जो है वो वीडियो मैंने बनाई हुई है ओपैक के नाम से। ओपैक के नाम से वीडियो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, उसमें आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि ऑनलाइन कैटलॉग है क्या चीज, उससे आपको मजीद आपको जो है वो चीजें समझ आ जाएंगी। तो उसका लिंक इसी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में किस तरह से आपने जाना है, ये जो वीडियो चल रही है इसी के टाइटल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, और आपको वो लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का, जिससे आपको इसका प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि ऑनलाइन कैटलॉग मजीद जो है डिटेल, उसको डिटेल के साथ इसको डिफाइन किया गया और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं ऑनलाइन कैटलॉग कार्ड की। तो उसको भी, उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में यकीनी तौर पर आपकी हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चले अभी चलते हैं इस ऑनलाइन कैटलॉग के टॉपिक की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ऑनलाइन कैटलॉग, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग क्या होता है, इसकी खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट से एक चीज़ यहाँ पे वाजह कर दूँ कि ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब किसको नहीं पता, ये हर एक बंदा जानता है कि ऑनलाइन क्या चीज़ है, जिससे मतलब एक जो ऑनलाइन कैटलॉग है कि ऑनलाइन आप नेट की सूरत में जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग अगर कैटलॉग के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैटलॉग एक बाकायदा कैटलॉग कार्ड होता है, तो जो जब आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको किसी बुक के बारे में मालूमात चाहिए, तो सबसे पहले कैटलॉग कार्ड जो है वो आपको दिखाया जाता है कि ये चीज़ें जो ये बुक्स जो हैं वो इसी साथर की हैं, इस ईयर में पब्लिश हुई हैं, इस पब्लिशर ने लिखा हुआ है, इसी तरह से इसकी जो तमाम डिटेल होती है वो कैटलॉग कार्ड के ऊपर मौजूद होती है। तो आप उसकी मदद से अपनी जो मुतलका बुक है उसको सर्च कर सकते हैं। ये मुख्तसर सा कैटलॉग के बारे में मैं आपको बताया, इससे पहले भी आप कैटलॉग के बारे में मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं जी ऑनलाइन कैटलॉग की तरफ, कि ऑनलाइन कैटलॉग इस सूरत में एक रवायती जो कैटलॉग है, इस सूरत में हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता है, लाइब्रेरी जाके वहाँ पर उसका जो रिसेप्शन है या सर्कुलेशन डेस्क है वहाँ पे जाके हमें कैटलॉग कार्ड देखना होता है। कैटलॉग कार्ड देखकर फिर हम जो है वो उसका जो अपनी बुक्स का इंतखाब करते हैं। अब जब आप लाइब्रेरी एंटर होते हैं तो आपको मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल के ऊपर बुक्स चाहिए, तो अल्लामा इकबाल की जितनी भी बुक्स होंगी उसका एक अलग से अलहदा से कैटलॉग बॉक्स होगा, तो वो आपको लाइब्रेरियन वहाँ पर या जो भी सर्कुलेशन डेस्क के ऊपर जो बंदा मौजूद होगा, जो आपकी हेल्प के लिए होगा, वो आपको वो कैटलॉग निकाल कर दे देगा कि जी ये अल्लामा इकबाल की बुक्स जो हैं वो हमारे पास पड़ी हुई हैं, या फिर आपको किसी साइंस के हवाले से आपको बुक्स चाहिए तो साइंस का कैटलॉग अलग से पड़ा हुआ होगा। कैटलॉग बॉक्स बकायदा होता है जिसके अंदर ये कार्ड मौजूद होते हैं, वो कैटलॉग आपको निकाल के दे देंगे, ये ले ये कैटलॉग है जी, ये बुक्स हमारे पास इस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। आप फिर उनमें से अपनी बुक्स का सिलेक्शन करेंगे और आप वो फिर आपको अमला गाइड कर देगा कि ये बुक्स लाइब्रेरी में किस साइड पर, किस हाल में, किस रैक पर मौजूद हैं, वो पूरा आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। अब इसमें ऑनलाइन में कुछ इस तरह से हुआ कि इसको किया गया कंप्यूटराइज सिस्टम पर,
और इसको किया नेट के ज़रिए वेबसाइट्स के ऊपर कि आप घर बैठकर आसानी के साथ, आपको लाइब्रेरी आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर आसानी के साथ इसको अपनी मदद आपके तहत अपने मोबाइल के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स मौजूद हैं। आप अपने टाइटल से, आथर से, जो है वो कि ये आथर है मेरा या ये टाइटल है, इसकी बुक्स इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी पड़ी हुई हैं, कितनी नहीं पड़ी हुई, कौन कौन से इसके एडिशन पड़े हुए हैं, किस ईयर में ये पब्लिश हुए थे, इसकी मुकम्मल डिटेल आप जो है वो अपने घर बैठकर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कैटलॉग है। ऑनलाइन कैटलॉग से मुराद एक ऐसा मनज़म तरीक़ाकार है जिसमें कंप्यूटर में महफूज किए गए किताबियाती रिकॉर्ड बवक्त ज़रूरत लाइब्रेरी का अमला और कारीन इस्तफादा करते हैं। ठीक है जी, कि कायरीन भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लाइब्रेरी का अमला भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। बवक्त ज़रूरत मुकम्मल रिकॉर्ड है, जो बुक्स लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं उनको क्या किया, उनको डेटाबेस पे, ऑनलाइन पे, कंप्यूटर पे कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया उनका डाटा, और उनको फिर क्या किया, उनको एक वेबसाइट के ऊपर, अब जैसा कि पहली जो लाइब्रेरी, जितनी भी रवायती लाइब्रेरीज थी उनमें यही कार्ड मौजूद थे, कैटलॉग कार्ड मौजूद थे। जब अब जैसा जैसे जो अब वक्त ने तरक्की की और इसी तरह से हम तरक्की की तरफ जो है वो इस वक्त आ रहे हैं, तो नई से नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही है, तो इसी सूरत में लाइब्रेरी साइंस ने भी इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और अब क्या सहूलत हुई कि अब आप किसी, हर एक लाइब्रेरी जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं और उनकी वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग मौजूद है। इसकी डिटेल, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग और इसकी जो प्रैक्टिकल वर्क है कि किस तरह से आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो इसकी एक मज़ीद मेरी वीडियो सिर्फ ओपैक के ऊपर, आप इसके, इस वीडियो के लिंक, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक दिया है, आप उसको भी देखें, तो आपको ऑनलाइन कैटलॉग की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, उसमें प्रैक्टिकली वर्क बताया गया है। तो इसमें मज़ीद अब इसकी जो अब खामियां और खूबियों की तरफ चलते हैं कि इसकी खामियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं। ज़ाहिर है जो भी एक चीज़ है उसकी कुछ खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन कैटलॉग के, ऑनलाइन कैटलॉग के फ़वाद क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले, चूँकि ये मशीनी निज़ाम है इसलिए इसे अपडेट रखना इंतहाई आसान है। सबसे पहले ये अपने हेडिंग देनी है अपडेट की, मशीनी निज़ाम किस तरह से है कि हमने इसको कंप्यूटराइज़ किया हुआ है, कंप्यूटराइज़ करके इसको वेबसाइट्स पर डाला हुआ है, तो फिर क्या हुआ कि जब इसकी, मैं आपको जो इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि अगर मैं, आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे कैटलॉग कार्ड मौजूद हैं, अल्लामा इकबाल की कुछ बुक्स हैं उनके कैटलॉग कार्ड मौजूद हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि एक बुक जो है वो लाइब्रेरी ने मज़ीद अल्लामा इकबाल का कुछ जो कलेक्शन है उसको मज़ीद परचेज़ किया, तो अब इसमें जो है वो उसका कैटलॉग कार्ड बनने में और उसकी जो है वो अपडेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चूँकि अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो आपने बुक ली है तो आपने बुक लाइब्रेरी ने अगर परचेज़ की है तो लाइब्रेरी उसको फ़ौरी तौर पर अपडेट करके उसको जो है वो वेबसाइट पे डाल देगी, तो वो क्या होगा, वो मशीनी तरीक़ाकार से अपडेट हो जाएगा और आपको, आपके पास अपडेट वर्जन हो जाएगा। और इसी के बरक्स अगर रवायती सिस्टम में वो कैटलॉग कार्ड बनने तक, अपडेट होने तक काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। उसके बाद जल्द मालूम का असूल जो है वो ऑनलाइन कैटलॉग के ज़रिए जो है वो हासिल किया जा सकता है कि बहुत तेज़ी से और जल्दी मालूमात का असूल इससे किया जा सकता है। किस तरह से, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठकर, आपको लाइब्रेरी आने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आपको किसी भी बुक के बारे में मालूमात लेनी हो तो रवायती कैटलॉग की सूरत में आप लाइब्रेरी के अंदर आएंगे, आके वो कैटलॉग देखेंगे, काफ़ी टाइम आपका उस पर भी लगेगा, लेकिन ये है कि आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप अपने मतलूबा नतायज को हासिल करने के लिए वो अपना डाटा एंटर करते हैं, तो आपको फौरी आपके मालूमात जो है वो इसमें हासिल हो जाती है। आज इसमें अगर जो तीसरे नंबर पे इसके मेरिट्स की बात की जाए, इसके फवाद की बात की जाए, तो मालूमात की कापी, अब एक रवायती कैटलॉग है तो उसकी कापी तो आपको हासिल करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर आप मतलब इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो आप इसकी कापी मालूमात, जो भी जिस बुक्स के बारे में मालूमात चाहिए हो, आप जब इसकी वेबसाइट पर जाते हैं वो मालूमात आपको मिल जाती है, तो आप आसानी के साथ, आपके पास कंप्यूटर प्रिंटर है तो आप आसानी के साथ इसकी प्रिंट निकाल लेंगे, प्रिंट नहीं भी निकालना तो आप अपने पास कोई स्क्रीन शॉट रख लेते हैं या अपने पास किसी तरीके से भी इसको महफूज करके अपने पास रख लेते हैं, तो मालूमात की कापी आपके पास महफूज हो
ہو جاتی ہے. دوسرا اس میں اجتماعی معلومات کی رسائی ہے جی. اجتماعی معلومات کی رسائی کس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں اجتماعی طور پر جو ہے وہ بہت سے کمپیوٹر کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہوا ہوتا ہے. مطلب آپ ایک لائبریری مثال کے طور پر پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہے تو اس کا آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ ہے تو کہیں پہ بھی کوئی بھی بیٹھ کے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو اجتماعی طور پر بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ اسی کے برعکس اگر روایتی کیٹلاگ کارڈ کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو ظاہر ہے اگر 10 بندے آئے ہیں تو ایک کیٹلاگ کو ایک بندہ ہی دیکھے گا, بیک وقت 10 بندے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے یہ اجتماعی معلومات کی رسائی کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. ہاں جی, یہاں پہ بات کرتے ہیں جی یونین کیٹلاگ کی تیاری. یونین کیٹلاگ کی تیاری میں بھی آن لائن کیٹلاگ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. یونین کیٹلاگ کے بارے میں ایک مزید بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ابھی یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں, 3 یا 4 لائبریری یا 5 یا 6 جتنی بھی وہ لائبریریز مل کر اپنا ایک کیٹلاگ کارڈ بناتی ہیں تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ قارئین کو اس سے فائدہ حاصل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو 4-5 لائبریریز ہیں ان کی بکس قارئین جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں, ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آن لائن کیٹلاگ کے اوپر بھی, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو آن لائن لائبریریز موجود ہیں تو ان کی صورت میں ان کا کیٹلاگ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, اور اس صورت میں یونین کیٹلاگ کی تیاری کی جا سکتی ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں زیادہ لوگوں تک رسائی. اب ایک لائبریری کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ 10-12-15-20 لوگ جو ہیں وہ ایک کیٹلاگ کو جو ہے وہ بھی اپنی مطلب وقت پر ہی اس کو مل سکتا ہے. مطلب اپنی باری کے بعد ہی اگر ایک بندہ اس کو کیٹلاگ کو چیک کر رہا تو پھر اس کے بعد پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, اسی طرح سے ایک سلسلہ, ایک نظام کے تحت, ایک ڈسپلن کے تحت چیک کیا جا سکتا ہے. جبکہ ویب سائٹس کے اوپر جو کیٹلاگ موجود ہیں تو وہ کس طرح سے ہوں گے کہ وہ آپ پاکستان, انڈیا, بھارت, سوری پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, جو بھی جتنے بھی ملک ہیں یا پاکستان سے باہر یورپ ممالک میں یا مطلب آل ورلڈ جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے وہ سارے بیک وقت کسی جگہ پہ بیٹھ کر بھی جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ویب سائٹس پر موجود ہیں تو ویب سائٹس کو ایک وقت میں کروڑوں لوگ بھی جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. جبکہ ایک لائبریری کے اندر جو کیٹلاگ ہے اس کو تو وہ کچھ چند ایک لوگ ہی اپنے وقت پر اپنی باری پر ہی دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی, اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیمیرٹس آف آن لائن کیٹلاگ. ہاں, میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کے فوائد ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی موجود ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کا فائدہ بھی ہے, اس کا نقصان بھی ہے, اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے اور اس کا ایک منفی پہلو بھی موجود ہے. سب سے پہلی بات آن لائن کیٹلاگ کے لیے, جب آن لائن کا لفظ ساتھ میں آ جاتا ہے تو آن لائن مطلب آن لائن, آف لائن پر موجود ہیں. تو انٹرنیٹ کی سہولت کے بغیر آپ آن لائن نہیں ہو سکتے. تو جب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کیٹلاگ کو ایکسیس نہیں کر پائیں گے. سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا ہونا بے حد ضروری ہے, انٹرنیٹ کے بغیر اس کے ایکسیس نہیں کی جا سکتی. اب دوسرا جو سسٹم ہے اس میں کمپیوٹر کا ہونا بے حد ضروری ہے, کیونکہ آپ نے جب ڈیٹا کمپیوٹرائز کرنا ہے تو کمپیوٹر ہوگا تو ہی آن لائن کیٹلاگ بن پائے گا. اگر کمپیوٹر نہیں ہے تو بغیر کمپیوٹر کے آپ مینولی آن لائن کیٹلاگ تو بنا نہیں سکتے. کمپیوٹر کی مدد کے بغیر آن لائن کیٹلاگ ممکن نہیں ہے. تو اس کے دو نقصانات, انٹرنیٹ کا نہ ہونا اور کمپیوٹر کا نہ ہونا دونوں. اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو بھی آن لائن کیٹلاگ نہیں بن پائے گا, اور اگر کمپیوٹر نہیں ہوگا تو بھی آن لائن کیٹلاگ نہیں بن پائے گا. اب اس میں جی تیسرا جو اس کا ڈیمیرٹس کی بات کریں یا اس کے نقصانات کی بات کریں تو کتب خانوں کے دسترس, کہ کتب خانوں کی دسترس سے کیا مراد ہے کہ اس کا جو ساز و سامان ہے آن لائن کیٹلاگ تیار کرنے کے لیے, جو ساز و سامان موجودہ دور میں انتہائی مہنگا اور بہت سے کتب خانوں کی دسترس سے باہر ہے. مطلب جو چیزیں ہم نے آن لائن کیٹلاگ کے لیے, اب ہمیں سسٹم چاہیے, مختلف سسٹم, اچھے سسٹم چاہیے, ساتھ میں انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے, تو اسی صورت میں پھر اس کے بعد پھر ہمیں ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر ہمیں ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تب ہی ہم جو ہے وہ ایک آن لائن کیٹلاگ جو ہے وہ تیار کر کے لوگوں تک اس کی رسائی حاصل کروا سکیں گے. تو اس صورت میں اس کا ساز و سامان جو ہے وہ کتب خانوں کی دسترس سے باہر ہے. اس کے بعد پھر نیٹورک کے مسائل کی بات کرتے ہیں, کہ جب تک ہمارے پاس ایک انٹرنیٹ نہ موجود نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ایک نیٹورک موجود نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے, ہم اس تک جو ہے وہ لوگوں تک یہ جو آن لائن کیٹلاگ ہے وہ نہیں پہنچا پائیں گے. اور بعض دفعہ نیٹورک کے ایسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر نیٹورک مطلب مثال کے طور پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے, انٹرنیٹ خراب بھی ہو چکا ہے, تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ قارئین کو یہ سہولت نہیں دے پائیں گے. یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ نیٹورک کا بھی ہے.
उसके बाद अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का इलम ना होना, अब इसमें यह भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा नुकसान है कि जो अगर लाइब्रेरी में जो अमला काम कर रहा है अगर उसको एक कंप्यूटर के बारे में इलम नहीं होगा, वो कंप्यूटर को नहीं जानता, वो पुराने लाइब्रेरियन कुछ हैं जिनको कंप्यूटर का इलम नहीं है, तो वहाँ पे ऑनलाइन कैटलॉग अगर बना भी दिया जाए तो वो भी कायरीन को सहूलत नहीं दे पाएंगे, और जबकि ऐसे कायरीन जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते तो वो भी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। तो लिहाजा कंप्यूटर का इलम होना दोनों के लिए, लाइब्रेरी स्टाफ के लिए और कायरीन के लिए, यूज़र के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर का इलम दोनों के पास नहीं होगा तो ये ऑनलाइन कैटलॉग जो है वो फेल है, ये समझें इसके नुकसान बहुत बड़े नुकसान में शामिल हैं। उसके बाद सिस्टम की खराबी, कि बाज़ दफ़ा जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है 5-6 कंप्यूटर अटैच करके नेटवर्किंग की है तो कंप्यूटर उन कंप्यूटर में से एरर आ जाता है, तो सिस्टम की खराबी की वजह से या वेबसाइट्स पर कोई एरर आ जाता है तो उस सूरत में भी हम ऑनलाइन कैटलॉग लोगों तक नहीं पहुँचा पाएंगे, तो ये भी सबसे बड़ा नुकसान तसव्वुर किया जाता है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसमें जो मैंने लिंक बताया ओपैक के नाम से लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक को लाजमी देखिएगा। आपको ये जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं ये प्रैक्टिकली वहाँ पे करके दिखाई हुई हैं, आपको वो प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो आपका तमाम तर कंसेप्ट जो है वो इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला मसाइल आपको दरपेश आ रहा हो तो फिर मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भी हल मौजूद है और इसका भी हल हो जाएगा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।